2024 के चुनाव से पहले बिहार में जाति और धर्म वाली सियासत जोर शोर से लगातार जारी है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के देवी दुर्गा पर दिए गए बयान को लेकर पार्टी के अंदर ही तकरार की स्थिति देखने को मिल रही है। आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने ऐसे बयान देने वालों को मूर्ख बता दिया है, जिस पर बीजेपी की ओर से पलटवार किया जा रहा है। दुर्गा को देवी मानते काल्पनिक है। एक काल्पनिक कहानी है, दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। जात पात के साथ ही MY समीकरण की सियासत से एक कदम आगे बढ़ते हुए RJD के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने देवी दुर्गा पर अमर्यादित और अशोभनीय टिप्पणी 2 दिन पहले की थी, जिस पर सियासत और भी तेज हो गई है। RJD के भीतर भी मामले पर दो फाड़ वाली स्थिति है। विधायक चेतन आनंद ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट लिखा और नाम लिए बगैर अपनी ही पार्टी के विधायक फतेह बहादुर सिंह पर निशाना साधा। अपने पोस्ट में चेतन लिखते हैं, मूर्ख हैं वे लोग जो महिषासुर को नायक मान बैठे हैं। अपना धर्म सबको प्रिय है। सेक्युलरिज्म का मतलब सबको साथ लेकर चलना होता है, खुद के धर्म को नीचा दिखाना नहीं होता। इधर चेतन आनंद के पोस्ट पर भी सियासत तेज है। बीजेपी ने चेतन आनंद का समर्थन किया है तो कांग्रेस गोलमोल जवाब दे रही है। संविधान अगर हमें किसी चीज की आजादी देती है तो उसका मिसयूज भी नहीं करना चाहिए। सभी धर्म की अपनी अपनी प्रायोरिटी और अपनी अपनी मान्य है, और बहुत लोगों को जिसके जिसके अपने धर्म है उसमें उनकी आस्था है, उस आस्था पे हमें कभी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। बिहार में लालू प्रसाद यादव के इशारे पे ये महाठगबंधन एक नई पॉलिटिकल लाइन को लेकर चल रहा है। राजद, जदयू और कांग्रेस के नेता सनातन का विरोध कर रहे हैं, सनातन के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणी दे रहे हैं, आपत्तिजनक व्याख्या कर रहे हैं। चेतन की बात सही है, और चेतन जैसी नई पीढ़ी का जितना जल्दी इन पॉलिटिकल धूर्तों से मुंह भंग हो जाए उतना बेहतर है। बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब चेतन आनंद ने अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ मोर्चा खोला। इसके पहले राज्यसभा सांसद मनोज झा के ठाकुरों पर कविता के जरिए राज्यसभा में दिए बयान पर भी चेतन आनंद ने कड़ी आपत्ति जताई थी। राजपूतों के मान सम्मान के खिलाफ बयान बताया था। अब दुर्गा माँ पर दिए बयान को लेकर भी चेतन आनंद ने अपने सहयोगी विधायक को खरी खोटी सुना दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, UZT। और बिहार सरकार पर तुगलकी सरकार चलाने और वोट बैंक की खातिर सियासत अपने तरीके से करने का आरोप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगातार लगा रहे हैं। बेगूसराय हिंसा के बाद सियासी वार पलटवार का दौर आखिर क्यों जारी है? हिंदुओं को मारे पीटे और केस में भी फंसाए, ठीक है, तुगलकी सरकार है, जो मन हो सो करे।